तो आज फिर एक शानदार सुबह की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि इस बारिश ने चारों तरफ का माहौल इतना सुनहरा जो बना रखा है। वैसे आज मेरा यहाँ पर चौथा दिन है, और सुबह जब मैं उठी तो सबसे पहला दृश्य जो मैंने देखा वो ये सुनहरी बारिश, और दूसरा दृश्य ये है मेरे नाना जी जो रोज सुबह टहलने जाते हैं, पर आज ये सिर्फ टहल कर ही नहीं बारिश में नहा कर भी आ रहे हैं। और फिर मैंने ये तीसरा दृश्य देखा जिसे देख के मन भक्तिमय हो गया, पर मुझे खुद पे थोड़ी लज्जा भी आने लगी, क्योंकि इधर मेरी नानी सुबह सुबह स्नान करके ध्यान में लगी हुई हैं और अभी तो मैं सो कर उठ रही हूँ, तो लज्जा तो आएगी ही, पर कोई बात नहीं, कल हम फिर प्रयास करेंगे सुबह जल्दी उठने की। तो लीजिए, अब तो नहा धो के मैं भी बिल्कुल तरोताजा हो गई हूँ और आ गई हूँ छत पर ताजी ताजी हवा खाने। और यहाँ पे मेरे नाना जी पेड़ पौधों की देखभाल करने में लगे हुए हैं, और इस काम में उनका सहयोग कर रही है ये छोटी बालिका। वैसे ये सहयोग सिर्फ इसलिए है ताकि ये जब बाहर जाएं तो इसे भी साथ ले जाएं। समृद्धि इधर आओ। कितना भी बुलाती हूँ ये मेरी बात सुनती ही नहीं है, शायद ये अभी मुझसे परिचित नहीं है इसलिए। ये तो बस अपने बाबा के साथ ही मस्त है, मेरी बात कहाँ सुनने वाली। ये मेरी कोई नहीं है। हाय करो, हाय करो, हाय हाय करो, हाय करो। तो अब आप भी देख लीजिए ये छोटी बच्ची कितनी तानाशाह और खतरनाक है। एक दिन गलती से इसके पापा ने इसे ये स्कूटी ला के दे दी, और तब से ये पूरे घर में इसे लेके डोलती रहती है और सबके ऊपर अपनी तानाशाही दिखाती है। लेकिन फिर एक दिन इसकी स्कूटी का कुछ ये हाल हो गया। ऐसा मृदि, क्या कर रही हो? नीचे आकर जब मैं किचन में जाती हूँ तो यहाँ का माहौल कुछ ऐसा देखा। यहाँ मेरी माताजी अपने पाक कला का जादू बिखेरने में लगी हुई हैं, पर ये लड़की इस काम को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। दरअसल अभी यहाँ बनाया जा रहा है मंचूरियन, जो कि आज हमारा सुबह का नाश्ता है, और इधर का मोर्चा संभाल रखा है मेरी छोटी मामी ने। पहले तो ये मुझे देख के डर जाती हैं, पर जब मैंने इन्हें कहा कि मामी इजी है, तब इन्होंने भी हाय बोल ही दिया। और फिर थोड़ी सी धूप निकलते ही मौका देख के हम छत पर आ जाते हैं और इस पापा की परी को भी साथ में टांग लाते हैं, ताकि अकेले में थोड़ा इसे परेशान कर सके। मेरा मतलब है कि इससे थोड़ी जान पहचान बढ़ा ले, और वैसे भी मुझे बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है। वैसे मेरी एक आदत ऐसी है कि अगर उसे कोई करते हुए मुझे देख ले तो वो तो मुझे पागल ही समझेगा, और वो है ये कि जब भी मैं किसी छोटे बच्चे से बात करती हूँ तो पता नहीं क्यों उस समय मैं तोतली बन जाती हूँ, और उस समय मुझे खुद पे बहुत संयम बनाना पड़ता है, क्योंकि घर वाले तो मेरी भावनाओं को समझ जाते हैं, पर अगर कोई बाहरी सुन ले तब मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। देखा बहू की जाए पल जाई वो लइया देखा दिया वो हमारे बाबा। अरे मामी आ रहे हैं, 2 मिनट रुक जाइए। पता नहीं हमारे ऊपर आने से सबको क्या समस्या हो जाती है। खैर छोड़िए ये सब, अब नीचे चलते हैं, क्योंकि अब तो हमारा बुलावा भी आ रहा है। अच्छा तो ये बात है, इसलिए हमें नीचे बुलाया जा रहा था। दरअसल यहाँ पे मेरे नाना जी ने भुट्टा भूजे प्रतियोगिता का आयोजन किया है, और इसमें घर के हर सदस्य का भाग लेना अनिवार्य है, सिवाय मेरे नानी के, क्योंकि उनकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, पर हमारी तो है, तो चलिए अब हम भी इस प्रतियोगिता के प्रतिभागी बन जाते हैं। तुम भी जाओ। अरे जब आवे तो बंद कर दो।
वैसे मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि इस प्रतियोगिता में कौन कौन भाग ले रहा है, तो आइए मिलवाते हैं उनसे। तो ये है इस प्रतियोगिता का सबसे छोटा प्रतिभागी, यानी कि मेरा छोटा भाई। देखने में भले ही छोटा हो पर इस प्रतियोगिता में सबसे अधिक बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। और ये है मेरी मामी जो अभी किसी जुगाड़ में लगी हुई है। वैसे मैंने आपको इनसे मिला दिया है। वैसे इस प्रतियोगिता की एक प्रतिभागी तो मैं भी हूँ, पर मुझे इस कार्य का कोई अभ्यास नहीं है। पर अपने पसंदीदा भोज्य को खाने की लालसा ने मुझे यहाँ बांध के रखा है। मैंने ये भुट्टा कैसा भुना ये तो मुझे पता नहीं, पर इस धुएं की वजह से मेरा चेहरा जरूर मुझे भुना भुना सा प्रतीत हो रहा है। तो आखिरकार मुझे मेरे परिश्रम का फल मिल ही गया। बारिश का आगमन एक बार फिर से हो चुका है और मैंने भी मौका छोड़ा नहीं है, क्योंकि मेरे गांव में तो बारिश होने से रही, तो यहाँ पे ये भीगने का मौका कैसे छोड़ सकती हूँ। बारिश में भीगना तो ठीक है, पर मैंने अपने बालों का घोंसला बना लिया है। पर कोई बात नहीं, मेरे पास एक भाई है। हे भगवान, ऐसे भाई सबको मिले। अपने से तो घोंसला बनाती है। अच्छे से बनाना बाबू, छोटी बनाना था ना। हाँ, छोटी गाँव के बना ले। छोटी बना लेगा।